गुड मॉर्निंग इन मैथ्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 डिवीजन। दिस चैप्टर इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66। मदर आई हैव 12 बोल्स। आई वॉन्ट टू पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। व्हाट शुड आई डू? ओके, यहाँ पे मदर और सन का कन्वर्सेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? मम्मा मेरे पास 12 बोल्स हैं। आई वॉन्ट टू पुट them equally in 3 boxes। अच्छा वो क्या बोल रहा है? मुझे मेरे पास 12 बॉल्स हैं, मुझे 3 boxes में इक्वली बॉल रखने हैं। अब देखो मामा क्या बोल रही है। पुट वन बॉल इन ईच बॉक्स फर्स्ट। सब में एक बॉल पहले रख दो। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द बॉल्स आर ओवर। जब तक बॉल ख़त्म नहीं होते ये प्रोसेस कंटिन्यू करो, यानी कि हर एक डिब्बे में एक एक बॉल रखते जाओ। 3 डिब्बे हैं, 12 बॉल्स हैं, एक एक बॉल रखते जाओ। जब तक बॉल ख़त्म ना हो तब तक ये सेम प्रोसेस करो। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर। 12 बॉल्स आर कीप्ड इक्वली इन 3 बॉक्सेस टू गेट 4 बॉल इन ईच बॉक्स। ओके, क्या बोल रहा है कि 12 बॉल्स 3 बॉक्सेस में रखेंगे तो हर एक बॉक्स में कितने बॉल होंगे? 4। कैसे? लेट्स सी। When we share equally or distribute equally, we call it division। जब हम equally distribute करते हैं उसको हम division बोलते हैं। We write it as, हम कैसे लिखते हैं इस चीज़ को? 12 divided by 3 is equal to 4। And read as 12 dividend by 3 equal 4। इसको हम 12 divided by 3 भी बोल सकते हैं या फिर 12 dividend by 3 equal is equal to 4। Here 12 is the dividend, the number that gets dividend, 3 is the divisor, the number that divides, 4 is the quotient, the answer in the division। Okay, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि dividend किसको बोलते हैं, divisor किसको बोलते हैं और quotient किसको बोलते हैं, right? क्या बोल रहा है हमारे पास? 3 इज़ द डिवाइज़र, यानी कि हम जिस चीज़ से डिवाइस कर रहे हैं 3, ये क्या है? डिवाइज़र, राइट? इसको हम यहाँ लिखेंगे। 12 इज़ डिविडेंड, यानी कि जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड 12, 3 का टेबल कितनी बार रीड करोगे कि 4 आएगा? 3 का टेबल कितनी टाइम रीड करोगे कि 12 आएगा? 3 4 जा, राइट? तो 4 जो है हमारा वो है कोशोनेंट, और नीचे जो ये हमारा 0 आ गया ना, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। 3 जो है वो हमारा डिवाइजर है, यानी कि जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं। 12 जो है वो हमारा डिविडेंड है, यानी कि कितनी हमारे पास बोल थे वो चीज़ जो हमने अंदर लिखी वो डिविडेंड। 4 कोशोनेंट, यानी कितनी टाइम हमने रीड किया वो, और 0 हमारा रिमाइंडर, यानी कि जो आंसर आया वो। यस, ये चीज़ें ये आपको याद रखनी है, किसको क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है और कोशोनेंट क्या है, राइट? डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोशोनेंट। डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या है? रिपीटेशन है किस चीज़ का? सब्ट्रैक्शन का। 12 - 3 इज इक्वल टू 9। 9 - 3 इज इक्वल टू 6। 6 - 3 इज इक्वल टू 3। 3 - 3 इज इक्वल टू 0। दस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। रिमेंबर क्या चीज़ याद रखनी है? द डिविडेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवाइजर एंड द कोशोनेंट। डिविडेंट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा डिवाइजर से और कोशोनेंट से। So let's start with our exercise 1. This exercise is from textbook page number 67. Yes, let's start. Exercise 1. Do you remember? Question number 1.
डिवाइडेड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल. ओके, मल्टीप्लीकेशन टेबल से भी ये आप एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. नंबर ए, 35 डिवाइडेड बाय 7. ओके, क्या बोल रहा है, आप मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो. तो 7 का टेबल जो है वो कितनी टाइम रीड करूंगी कि 35 आएगा. यस, चलो रीड करते हैं. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35. कितनी टाइम मैंने रीड किया? यस, 5 टाइम. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आंसर 5. नंबर बी, 27 डिवाइडेड बाय 3. 3 का टेबल हम कितनी टाइम रीड करेंगे कि 27 आएगा? यस, 9 टाइम. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9. नंबर सी, 18 डिवाइडेड बाय 2. 2 का टेबल कितनी टाइम रीड करेंगे कि 18 आएगा? यस, 2 9 जा 18. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9. 40 डिवाइडेड बाय 8. 8 का टेबल में कितनी टाइम रीड करूंगी कि 40 आ जाए? यस, 8 5 जा 40. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 5. यस, मूविंग फर्दर. नंबर ई, 25 डिवाइडेड बाय 5. 25 को 5 से डिवाइड करना है. तो 5 का टेबल कितनी टाइम रीड करेंगे कि 25 आए? यस, 5 टाइम. 5 5 इज 25. नंबर एफ, 81 डिवाइडेड बाय 9. 9 का टेबल कितनी टाइम रीड करोगे कि 81 आ जाए? 9 9 जा 81. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9. जितनी टाइम आप रीड करोगे वो हमारा आंसर है. सिंपल. यस, मूविंग फर्दर. नंबर जी, 42 डिवाइडेड बाय 6. 6 का टेबल कितनी टाइम रीड करेंगे कि 42 आए? यस, 7 टाइम. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7. 32 डिवाइडेड बाय 4. 4 का टेबल कितनी टाइम रीड करोगे कि 32 आए? यस, 8 टाइम्स. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8. मूविंग फर्दर, 70 डिवाइडेड बाय 10. 10 का टेबल अब कितनी टाइम रीड करोगे कि उसका आंसर जो है वो 70 आना चाहिए? यस, कितनी टाइम रीड करोगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70. कितनी टाइम आपने रीड किया, 7 टाइम. तो यहाँ पे आंसर वही आएगा, 7. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिविडेंड डिवाइजर एंड कोशोनेंट. जैसे हमने सीखा था, डिवाइजर किसको बोलते हैं, डिविडेंट किसको बोलते हैं और कोशोनेंट किसको बोलते हैं, वही है यहाँ पे हमको करना. यस, जैसे हमने सीखा था राइट, कि डिविडेंट किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं और कोशोनेंट किसको बोलते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ठीक है, फाई जो है वो हमारा डिवाइजर है, यानी कि जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं वो है. 15 जो है वो हमारा डिविडेंट है, यानी कि उस चीज़ से हम डिविडेंट यानी कि डिवाइड कर रहे हैं. और कितनी टाइम रीड करेंगे 5 का टेबल कि 15 आएगा? 3 टाइम. राइट, तो 3 जो है वो हमारा कोशोनेंट है. 5 क्या है, हमारा डिवाइजर. 15 जो है वो हमारा डिविडेंट. डिविडेंट राइट. यस यस, सो लेट स्टार्ट डिविजन ऑफ सम्स. उसमें हमें क्या लिखना है, डिविडेंट लिखना है, डिवाइजर लिखना है और कोशोनेंट लिखना है. 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास दिया हुआ है राइट. तो इस चीज में हमारे पास सबसे पहले क्या लिखना है, उसका डिविडेंट. तो डिविडेंट कौन सा है हमारे पास, 15. डिवाइजर यानी कि किस डिजिट से हमने उसको डिवाइड किया, 5. 5 से हमने डिवाइड किया, वो हमारा है डिवाइजर. और हमारा कोशोनेंट यानी कि कितनी टाइम रीड किया, वो है 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3. यस, 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4. तो इसमें हमारा डिविडेंट कौन सा है, 28. डिवाइजर 7
और क्वेश्चन एंड फोर, 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5, इसमें हमारा डिविडेंड है 45, डिवाइजर है 9 और कोशोनेंट है 5. 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7, हमारा इसमें डिविडेंड कौन सा है, यस 56, डिवाइजर इज 8 और कोशोनेंट है 7. I hope you all are clear with these two questions. Thank you. Have a nice day.